दोस्तों, मौसम के चेंज होते ही हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रिज की, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसे सेट करने की। अगर बाहर की मौसम का टेम्परेचर लो हो गई है, ठंड की मौसम चल रही है, तो इसकी टेम्परेचर को हमें 1 से 2 के बीच में सेट करनी चाहिए। जैसे ही धीरे धीरे गर्मी आने लगती है तो इसको हम 3 से 4 के बीच में सेट करनी चाहिए, और उसके बाद पूरी गर्मी की मौसम लग जाए, पूरी गर्मी हो, तो इसको हम 5 से 6 के बीच में रखनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से सेट करने से ये होगा कि आपके फ्रिज के अंदर जितनी कूलिंग की ज़रूरत है उतनी ये जो सेंसर सेंस करेगी और कंप्रेसर को अपने आप ही ये बंद कर देगी। इससे ये होगी कि आपके फ्रिज की थोड़ी बिजली भी बचेगी और फ्रिज की लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि फ्रिज के टेम्परेचर को कैसे हम सेट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा फ्रिज से जुड़ी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।